इल्मो फजल की रसिया और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह समेत बरसगीर की नामवर शख्सियात से बेतकल्लुफाना ताल्लुक़ रखने वाली बेगम अतिया फैज़ी बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर पाकिस्तान मुंतकिल हुई, लेकिन अयूब मार्शला दौर में गैर मुनसिफाना अदालती कार्रवाई और कराची की शहरी इंतजामिया की बेहिसी के बाइस नाकदरी के आलम में 4 जनवरी सन 1967 को दुनिया से रुखसत हो गए। 20वीं सदी की पहली दिहाई में किसी मुस्लिम खातून की ऐसी बसीरत और असर पजीरी गैर मामूली बात थी जो अतिया में बदरजा आतम पाई जाती थी। अतिया का ताल्लुक उस दौर के आला तालीम याफ्ता रोशन ख्याल खानदान से था। इनकी बड़ी बहन नाजली बेगम रियासत जंजीरा की रानी थी, जबकि रियासत हैदराबाद के वजीर खजाना इनके फूफीजाद भाई थे। अतिया के वालिद हसन अफंदी को सल्तनत उस्मानी के दरबार तक रसाई हासिल थी और इनका कारोबार हिंदुस्तान, इराक और इस्तंबुल तक फैला हुआ था। उस दौर के आला पाए के तालीमी इदारों से तहसील इल्म की बदौलत अतिया को अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की और उर्दू जुबानों पर दस्तरस हासिल थी। 20वीं सदी के आगाज पर जब हिंदुस्तान में लड़कियों की तालीम खाल खाल थी तो अतिया ने हुसूल इल्म के लिए बरतानिया का सफर किया। खानदानी असर रसूख और जहानत की बदौलत अतिया फैजी ने जल्द ही इंग्लिस्तान की हिंदुस्तानी कम्युनिटी में अपनी जगह बना ली। लंदन में इनके शब रोज नामवर हिंदुस्तानी शख्सियात की मैयत में गुजरते थे। टाटा कंपनी के बानी जमशेद जी टाटा और सरोजिनी नायडू के अलावा हिंदुस्तानी रियासतों के राजो महाराजों के साथ इनकी सोहबतें रहने लगी। अतिया की अलामा इकबाल से पहली मुलाकात लंदन में हिंदुस्तानी तलबा की यहूदी निगरान मिस बेक के घर हुई। मोहम्मद इकबाल अतिया की पुरकशिश शख्सियत से बहुत मुतासर हुए और इनके साथ शायरी, तारीख और फलसफे पर घंटों गुफ्तगू करते रहे। बेगम अतिया फैजी के नाम अलामा इकबाल के खतूत को इन्होंने इकबाल के नाम से सन 1947 में किताबी शक्ल दी। अल्लामा इकबाल की ज़ाती और शख्सी ज़िंदगी की तफहीम और तशरीह के लिए इस किताब में बहुत सा सामान मौजूद है। इकबाल के साथ गहरे ताल्लुक के बावजूद अतिया इसलिए इनकी अहलिया ना बन सकी क्योंकि वह पहले से शादीशुदा थे। अतिया फैजी ने मौसीकी और मुसवरी से वाबस्तगी की बिना पर रहमीन नामी शख्स से शादी की। ये एक हिंदुस्तानी यहूदी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी जाय पैदाइश पूना थी। बैरून मुल्क से मुसवरी में आला तालीम याफ्ता इस मुसव्विर की तस्वीरें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की आर्ट म्यूजियम का हिस्सा बनती थी। इन्होंने अतिया से शादी के बाद इस्लाम भी कबूल कर लिया। क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मियाँ बीवी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिनाह की ख्वाहिश पर पाकिस्तान मुंतकिल हो गए। इन्होंने जहाँ रिहाइश इख्तियार की वह जगह कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मलकियत थी। फनकाराना मिजाज का हामिल ये जोड़ा जमीन की मलकियत और क्लेम दाखिल करने का रिवायती और कानूनी तकाजों में ना पड़ा, जिसकी वजह से अधेड़ उम्र में इनके लिए मसाइल का आगाज हुआ। सन 1958 का अयूबी मार्शल लॉ जहाँ पाकिस्तान की नौजायदा जमहूरियत के खात्मे का बाइस बना, वहीं ये दौर इस फनकार मियाँ बीवी के लिए मसाइब और आलाम भी साथ लाया। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 1960 के इब्तदाई बरसों में मियाँ बीवी को इस इमारत से बेदखल कर दिया, जिसकी तमीर और तदरियों पर इन्होंने अपने पल्ले से 30 लाख रुपए के करीब रकम खर्च की थी। बकौल अतिया फैजी, इन्हें महसूर करके लाइब्रेरी को मिसमार कर दिया गया। दिन के उजाले में नादिर फनपारों को बेरहमी से बाहर फेंक दिया गया। अतिया फैजी ने मजबूरन उस दौर के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस ए रहमान को खत लिखकर मदद तलब की। उनकी तहरीर बेगम अतिया फैजी का अलमिया इन्हें पेश आने वाले अलमनाक वाकयात की तफसील बयान करता है। कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इनकी शख्सियत और कारनामों को खातिर में लाए बगैर कुछ कागजात की बुनियाद पर ये इमारत अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, यहाँ तक कि ये मामला अदालत तक जा पहुँचा। इन दोनों के पास वकील की फीस के पैसे भी न थे। बेघरी और बदहाली से मजबूर होकर इन्होंने आर्ट के नादिर नमूने फरोख करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपना इंतहाई कीमती और दीदाज़ेब फर्नीचर, जो किसी म्यूजियम की जीनत बनना चाहिए था, सस्ते दामों गुजर बसर की खातिर बेच डाला। अतिया इतनी मजबूर हो गई कि 50 रुपये कर्ज मांगने की नौबत आ गई। कर्ज के लिए हाथ फैलाते वक्त इनकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। अतिया फैजी ने जस्टिस एस ए रहमान को कायदे आज़म के नाम पर इंसाफ की दुहाई दी। जस्टिस साहब ने एक हद तक मामला हल करने की कोशिश की, मगर अपने मनसब की नजाकतों और जमीन की मलकियत के गोरख धंधों जैसे कवायद ने इनके हाथ बांध रखे थे। सन 1964 तक मामला हाईकोर्ट और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दरमियान लटकते रहे। मियाँ बीवी ने कुछ अर्सा होटल इंटरकॉन्टिनेंटल में रिहाइश इख्तियार किए रखी। इस दौरान जमा पूंजी और जाती नवादरात भी खत्म हो गए। इन्होंने तब के PIA के चेयरमैन नूर खान से 2 कमरों के मकान की दरख्वास्त की, मगर कोई सुनवाई ना हुई। जब होटल का 60,000 रुपये का बिल वाजिबुल अदा हो गया तो मजबूर होकर वो निगार नाम के एक सस्ते होटल में मुंतकिल हो गए। इसी जगह इनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम बसर हुए। सन 1964 में जिंदगी की इन तलखियों में अतिया के शौहर रहमीन इन्हें दुनिया में तनहा छोड़कर रुखसत हो गए। शौहर की मौत के 2.5 बरस बाद अतिया फैजी भी नाकदरी के आलम में 4 जनवरी सन 1967 को दुनिया फानी से रुखसत हो गए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।